साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे बिजी टू एम्प्लॉयमेंट वीजा के बारे में। हालांकि ये पर्टिकुलर एक कंट्री के बारे में नहीं है, हर कंट्री पे ये चीज लागू होती है। मेरे हिसाब से साथियों दुनिया में 80% बिजी टू एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। हालांकि लोग एम्प्लॉयमेंट के पीछे पड़े रहते हैं कि यहीं से एम्प्लॉयमेंट लेना है, लेकिन सच्चाई है कि यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं सब में बिजी टू एम्प्लॉयमेंट ही होता है। वहां से यहीं से बहुत कम चांस में वर्क परमिट होकर वीजा जाता है, बाकी यहाँ से लोग विजिट में जाते हैं, वहाँ वीजा लगवा लेते हैं, वो उनकी काबिलियत होती है, ठीक है साथियों। तो बात कर रहे हैं साथियों अपन गल्फ से रिलेटेड, खास तौर से दुबई से रिलेटेड। अब दुबई में लोगों की ये सोच बनी है सर जी एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहिए अपने को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में ही जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वीजा में ज्यादा फायदे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ इसके बारे में। आज अपन बात करेंगे विजिट वीजा खास तौर से दुबई से रिलेटेड, क्योंकि दुबई दुनिया की ऐसी कंट्री है साथियों, वहां लगभग 80% लोग विजिट में ही जाके वहां जॉब सर्च करके जॉब लग जाते हैं, या फिर एजेंट के थ्रू भी बहुत सारे लोग जाते हैं जो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी कर रखी है कि विजिट में आने वाले को कंपनी तुरंत प्रभाव से 1 महीने में वीजा लगवा देती है। वहां का बहुत बड़ा सिस्टम अच्छा है। जैसे मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में नो चांस, विजिट टू वर्क हो ही नहीं सकता मलेशिया में, लेकिन फिर भी लोग एजेंट भेज देते हैं। दुबई गल्फ में लगभग कंट्रियों में है, अगर आप यहाँ से विजिट में जाओगे, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, यहाँ से विजिट में जाओगे आराम से वहाँ वीजा लग जाता है आसानी से। गल्फ की कोई भी कंट्री चले जाओ आप, आराम से वीजा लग जाता है, गल्फ में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बात करते हैं दुबई से रिलेटेड, तो ये भी दुबई का ही सिस्टम है। तो बात करते हैं साथियों विजिट वीजा में आपके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इससे रिलेटेड आज बात करेंगे। विजिट वीजा वर्क टू परमिट हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल साथियों, गल्फ में अगर आप जाते हो तो विजिट वीजा में जाके वहां पे आप वर्क परमिट वीजा चेंज करवा सकते हो, आराम से हो जाता है। जिस कंपनी में जॉब लग जाओगे वहां आपका अग्रीमेंट होने के बाद कंपनी प्रोसेस डाल देती है। इस वीजा के फायदे क्या है और हानि क्या है साथियों, इस वीजा का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको तुरंत प्रभाव से आप जा सकते हो, चाहे 10 दिन में पहुंच जाओ, 24 घंटे में पहुंच जाओ, आपकी हिम्मत होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से आप जाके आप कंपनी में जॉब लग सकते हो। आपकी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि एजेंट ने बेवकूफ बना के भेज दिया, वहां आपका जॉब नहीं लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक सिस्टम होना चाहिए, यहाँ से विजिट पे जाओ, वहां आपका अग्रीमेंट हो जाए, फिर आपका जो भी कंपनी का प्रोसेस है वो होके वीजा 1-2 महीने में लग जाता है, ये प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन इसमें हानि यह आ जाती है, कई बार एजेंट वीजा विजिट में भेज देते हैं, फिर वहां जॉब सर्च नहीं कर पाते, जॉब लगते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें आप। इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगता, आपको ये लगता है कि आप 10 दिन में अपने को विदेश जाना है तो आराम से आप जा सकते हो। लॉन्ग प्रोसेस नहीं कि आज पासपोर्ट दिया, फिर 1 महीने बाद मेडिकल हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर वो अग्रीमेंट आया, फलाना बनाना, 4-6 महीने का कोई चक्कर नहीं लगता, तुरंत प्रभाव से इस वीजा में जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस वीजा का है, जॉब चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट विजिट टू वर्क का ये होता है साथियों कि यहाँ से आप जाओगे, आपकी क्वालिटी के अनुसार वहां आप इंटरव्यू दोगे, वहां पे आपकी सेटिंग होनी जरूरी है, वरना तो आप सिंगल पर्सन हो, आपको कोई नहीं जानेगा, कैसे इंटरव्यू दोगे। वहां पे आपका लिंक होना चाहिए किसी एजेंट के थ्रू, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, एजेंसी वाले आपको कंपनी में लेके जाएंगे, आप इंटरव्यू दोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको रहना खाना, आपका सैलरी वगैरह, आपका काम वगैरह, तो आप उसमें एग्रीमेंट कर सकते हैं, वरना उसको आप चेंज करके दूसरी में भी ट्राई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट विजिट टू एम्प्लॉयमेंट खासतौर से दुबई का है, क्योंकि दुबई 80% लोग ऐसे जाते हैं, इसमें आप मन मर्जी आप इंटरव्यू दो, आपको जिन लगे यार ये कंपनी अच्छी है इसी में करो, अगर इंटरव्यू में पास हो गए, कंपनी ने 1500 दिरहम दे दिया, आप खुश हो, फिर भी आपको लगा नहीं यार अच्छा नहीं है, दूसरे में ट्राई करते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। ये अपना मनपसंद सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है साथियों। सैलरी भी मनपसंद लग जाती है, मान लीजिए यहाँ से आप 1200 दिरहम में जा रहे हो, 1500 में जा रहे हो, वहां जाके पता चला यार कंपनी ने सैलरी कम दे दी, तो वो धोखा सा होता है। यहाँ से आप विजिट वीजा में जाओगे, कंपनी ने आपको सिलेक्शन किया, आपकी योग्यता के आधार पर आप बोलते हो 1500, कंपनी बोलती है 1500, तो आप उसमें एग्री हो नहीं हो आपकी मर्जी होती है, आप बोल सकते हो सर मैं 1800 दिरहम लूँ या मेरी सैलरी 2000 दिरहम होनी चाहिए, तो वो कॉम्प्रोमाइजन हो जाता है वहां पे सैलरी मन पसंद के हिसाब से। ये होता है योग्यता पे डिपेंड, ये नहीं मन की मर्जी, योग्यता के हिसाब से सैलरी अपने को मिल जाती है, ये बड़ा बेनिफिट इसमें है। बंदिश नहीं होती, ये नहीं कि कंपनी आपको, मतलब यहाँ से अग्रीमेंट में आप जाओगे एम्प्लॉयमेंट वीजा में तो उसमें बहुत सारी बंदिशें होती है, इसमें इतना बंदिश वाला सिस्टम नहीं होता, एक बार सेट हो गए तो फिर सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपका विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा में खास तौर से दुबई से रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दी। आपको अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि नई नई चीजें मैं हर बार लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको घर बैठे बेनिफिट मिल सके, जिससे धोखाधड़ी का शिकार उनसे बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।